सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान गुरु चैनल को और ये बेल बटन को दबाइए नए नए वीडियो से अपने आप को अपडेट करने के लिए। लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान गुरु में और मैं हूं आपका दोस्त केपी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल जो है, ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड्स, इट इज़ क्लोज्ड, द लाइंस जॉइन अप एंड हैज़ स्ट्रेट साइड्स। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका, इसमें चार साइड होंगे और चारों साइड जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, साथ ही साथ उसमें जो साइड्स होंगे वो स्ट्रेट होंगे, कार्व नहीं होंगे, टेढ़ा मेरा नहीं है, सीधा होंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पिक्चर्स आ गए हैं कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोले जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग जान लीजिए पहले ही कि देखिए, पहला जो पिक्चर है इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल का है, ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। और उसके बाद है ट्रेपीजियम का, उसके बाद है आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम, उसके बाद पैरेललोग्राम, उसके बाद एक काइट, इसको काइट बोला जाता है, मतलब जो पतंग है पतंग, उसके बाद रम्बस, रम्बस के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक एक करके हम चलिए देखते शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास है क्वालिटीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए सिर्फ चारों साइड होना ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ क्वालिटीज होना ज़रूरी है। तो क्या क्या क्वालिटीज है देखिए, शुरू करते हैं। इट हैज़ फोर साइड्स, मतलब इसके क्या है, चार साइड्स होंगे। इट हैज़ फोर वर्टिसेस, मतलब चार कोण होंगे, कोण मतलब है एंगल्स, ओके, चार एंगल होंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो चारों एंगल है उनके, उनको चारों एंगल को प्लस करने से 360 डिग्री हमें मिलेगा, ओके। इसके चारों कोणों की समन्वित राशि 360 डिग्री है। तो ये था हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के क्वालिटीज के बारे में बात। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे बोला जाता है, तो ये जो पिक्चर आया है आपके सामने, इस ऐसे शेप को रेक्टेंगल बोला जाता है जिसके दो, चारों साइड में से दो साइड, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, साथ ही साथ ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, लेंथ में भी दूरी में भी, जिसको हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल है दोनों। लेकिन देखिए चारों साइड सेम नहीं है, मतलब दो दो करके सेम है, चारों नहीं है, तो ऐसे शेप को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है, रेक्टेंगल इज ए फोर साइडेड शेप हायर एवरी एंगल इज ए राइट एंगल। मतलब क्या है, देखिए चारों साइड वाले शेप ही है, लेकिन हर एक एंगल, जो ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर, ये अंदर वाला ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, चारों कॉर्नर का नाप हर एक का 90 डिग्री होगा, ओके। तो ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब मैंने जो पहले बोला कि चारों साइड में से चारों सेम नहीं होंगे बल्कि दो दो करके सेम होंगे और दोनों एक दूसरे से समान दूरी बजाय रख के चलेंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलेंगे, ये जो स्क्वायर का पिक्चर है ये देख लीजिए, स्क्वायर आ गया आपके सामने। तो स्क्वायर, ए स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड्स एंड एवरी एंगल इज ए राइट एंगल, मतलब इसके जो चारों साइड है ये चारों साइड एक दूसरे के समान है और साथ में जो एंगल ये तैयार करते हैं, कॉर्नर तैयार करते हैं, हर एक कॉर्नर का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये जो साइड है ना, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, तो चारों साइड में से दो दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ए स्क्वायर हैज़ फोर साइड्स व्हिच आर इक्वल लेंथ, मैंने जो पहले ही बोल दिया चारों इक्वल लेंथ के होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है रोम्बस। रोम्बस किसको बोलते हैं, ऐसे शेप को रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस इज ए फोर साइडेड शेप व्हेयर ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, मतलब रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड जो है ना आपका, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड का लेंथ सेम होगा, साथ ही साथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड जो है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में, साथ में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द डायगोनल्स मीट इन द मिडल एट ए राइट एंगल, इन अदर वर्ड्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब क्या है, ये जो डायगोनल्स है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो हमने डॉटेड लाइन खींचा है मन ही मन, तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। ऐसा एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, दोनों डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब काटेंगे जिस जगह पर, वहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री करके चार एंगल्स तैयार होंगे। देखिए ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एक एंगल है 90 डिग्री, ये एक एंगल है 90 डिग्री और ये एक एंगल है 90 डिग्री। तो रोम्बस के बारे में दोस्तों,
हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि रोम्बस ऐसा एक शेप है जिसमें चारों साइड सेम होंगे लेकिन दो दो करके एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट में इक्वल होंगे। साथ ही साथ जो आपका इसके जो लाइन्स है, जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तैयार होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दोस्तों, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे, ये है देखिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रोम्बस में ज़्यादा अंतर नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक जो साइड है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लेकिन चारों साइड नहीं होते, चारों में से दो दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड ये साइड पैरेलल है, कहीं पर इनके पैरेलल मतलब है कि इनके दूरी कहीं पर कम नहीं होगा। ये जो इसका यहाँ पर जो दूरी है यहाँ पर भी सेम, यहाँ से यहाँ नापेंगे तो जितना दूरी होगा यहाँ से यहाँ नापने से भी सेम दूरी होगा, तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं। इसको हिंदी में बोले तो समांतराल बोल सकते हैं हम इसको, समांतराल रहेगा हर वक्त। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, ये है ट्रैपेज़ियम। ट्रैपेज़ियम ऐसा एक शेप है, देखिए ऐसा भी होता है, बहुत सारे प्रकार का होता है लेकिन हम बेसिकली ऐसे ही पहले सीखते हैं कि ट्रैपेज़ियम ऐसा शेप वाला चीज़ है जिसमें ट्रैपेज़ियम हैज़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। मतलब जो ये जो देखिए ये जो साइड है ये साइड पैरेलल है, तो ये इसको ट्रैपेज़ियम बोलेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है काइट। काइट मतलब है पतंग। पतंग आपने उड़ाया होगा, तो ये जो पतंग है देखिए ये पतंग आ गया आपके सामने। तो ये पतंग में क्या होता है कि इट हैज़ टू पेयर ऑफ साइड्स, दो पेयर ऑफ साइड्स है, मतलब जोड़ी, दो जोड़ी साइड्स है। देखिए ये एक मिलके दो साइड मिलके एक जोड़ी साइड होता है, और ये साइड मिलके दोनों मिलके एक जोड़ी साइड होते हैं। तो क्या हुआ गया, यहाँ पर एक जोड़ी साइड मिले हमें और यहाँ पर दो जोड़ी दूसरा एक जोड़ी साइड मिले, तो दोनों मिलके दो जोड़ी साइड हो गए हमारे सामने। इच पेयर इज मेड ऑफ टू इक्वल लेंथ साइड्स दैट जॉइन अप। मतलब क्या बोले कि यहाँ पर जो ये साइड है और ये साइड है दोनों इक्वल लेंथ वाला है और दोनों कहाँ पर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। सेम टू सेम ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है दोनों साइड क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट पे आके जुड़ गए। तो ये था हमारे काइट के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको अब हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑफकोर्स दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट अब हमें हेल्प करता है आप क्या चाहते हैं इसके बारे में जानने के लिए, हमें ऑफकोर्स कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, शबक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो हमारा जो से हमारे जो क्वाड्रिलेटरल का जो साथ ही साथ देखिए हमारे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का फैमिली ट्री आ गया है। फैमिली ट्री जो है ये दिखाता है कि क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आता है, एसिमेट्रिक क्वाड्रिलेटरल है ये। उसके बाद है आ गया काइट, ये आ गया पैरेललोग्राम, ये आ गया ट्रेपेजॉइड या आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड। उसके बाद पैरेललोग्राम से आ गया आपका तीन चीज़, जो रोम्बस है रोम्बस आ गया, उसके बाद स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये चीज़ आ गया। तीनों में से एक चीज़ हम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो स्क्वायर में से बहुत कुछ चीज़ होता है, तो यहाँ पर ये आप इसको स्क्वायर का फैमिली ट्री बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम का फैमिली ट्री बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का फैमिली ट्री बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट और सब्सक्राइब और आपका जो लाइक है यही हमें ये वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा देती है और हमारे चैनल को इतने ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय, कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।